मुनावर फारूकी दूसरी टीम में था, अक्षय पाजी की टीम में, कि मैं हंस रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है। तो एल्विस यादव ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर एल्विस यादव ने रैंडम सेने को रिप्लाई किया। दरअसल आपको पता होगा जब से एल्विस यादव मुनावर फारूकी से मिले हैं तब से एल्विस यादव को फेक हिंदू बुलाया जा रहा है। इसके ऊपर एल्विस यादव क्या कहा आप देखिए। मैं सचिन पाजी की टीम में था, उधर मुनावर फारूकी दूसरी टीम में था, अक्षय पाजी की टीम में, तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, आमने सामने मिले, हम किसी कॉज के लिए जा रखे थे वहाँ पे और हाथ मिलाया। सही है जो भी है, जो फोटो वायरल हो रही है वो उसकी विकेट लेने के बाद की उसे चिढ़ाने वाली फोटो है। जिसको नहीं पता हो जाके मैच देख लेना, जिसको लो रहा हो गले मिल रहा है वो कर रहा है, जैसे पोक करते हैं ना, मैं वो कर रहा था। ये भी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं हंस रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है कि मैं हंस रहा हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ या फिर मैं डांट मार रहा हूँ किसी, कुछ भी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल बिजनेस। बट फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो हंस रहा है साथ में गले मिल रहा है ये है वो है, जब मैंने उसकी विकेट ली तब करा, जब उसने बैट ऐसे ऐसे करके मेरे को चिढ़ाया था हंस के, तब मैंने उसको हंस के चिढ़ाया कि हाँ आ गया मज़ा कि ले ली विकेट इस चीज़ के ऊपर, चलो इसको भी साइड करते कोई नहीं। उसके बाद मेन क्या स्टार्ट होता है, मेन मैच ख़त्म, हम लोग जीत गए, मैंने मुनावर की विकेट ले ली, ठीक है एक साइड हो गया, सारी चीज़ें एक साइड हो गई। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पे हमारे भाई साहब हैं, रैंडम भाई साहब, उनकी वो आ रखी होती हैं स्पेस की रिकॉर्डिंग्स जिसमें वर्ड्स कम होते हैं गाली गलौज ज़्यादा होती हैं, वो मेरे फ़ैन क्लब्स को माँ बहन की गाली, अपनी माँ बेच दो, ये कर दो, ऐसी ऐसी सुन लेना उस स्पेस में जाके ना। तो भाई मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है उनकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई गाली बके माँ बहन की और तुम्हें बोले तुम हिंदू नहीं हो, मुझे बस इस चीज़ का वो बता दो, तुम्हारे पास कोई आता रैंडम बंदा, उसका नाम भी रैंडम है, कोई रैंडम बंदा आता और वो बोलता है कि माँ बहन की गाली बकता है, अपनी माँ बेचो, ये करो वो करो, ऐसे गंदी गंदी और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है माँ बहन को, खुली गाली देता, खुली, नो फिल्टर, नथिंग, खुली गाली बकी और कहता है कि तू हिंदू नहीं है, तू फेक हिंदू है, तूने पैसा कमाया, तूने अपने धर्म से ऊपर रखा, ये रखा वो रखा। देखो सबसे पहली बात तो कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी नहीं घूम रहा कि तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, मेरे को कोई नहीं बताएगा। या फिर आप लोगों को जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते होंगे या फिर दिल से हिंदू जो मानता है, तुम्हें आके कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि तू हिंदू है तू नहीं है, और ख़ासकर कोई ऐसा आदमी जिसका चेहरा ही नहीं है, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या